वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। रविवार शाम को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में बस कुछ ही घंटों का समय शेष है। इस दौरान सभी मोदी कैबिनेट में सीट बंटवारे पर नजर जमाए हुए हैं। यूपी में इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 33 सीटें मिली हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों का कोटा भी कम होना निश्चित माना जा रहा है। पिछली सरकार में यूपी से मोदी कैबिनेट में 12 मंत्री थे, उनमें से 7 मंत्री चुनाव हार गए। सूत्रों के मुताबिक इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी से कुछ ही सांसदों को मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में नई मोदी कैबिनेट में एनडीए के यूपी में घटक दल अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी को कैबिनेट में जगह मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा पिछली कैबिनेट के जिन 4 मंत्रियों ने जीत दर्ज की है, उनमें लखनऊ से राजनाथ सिंह, आगरा से एसपी सिंह बघेल, महाराजगंज से पंकज चौधरी को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि पिछली बार राज्यसभा कोटे से मंत्री बने बीएल वर्मा के लिए इस बार की राह आसान नहीं है। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में यूपी से जिन चेहरों की दावेदारी लग रही है, उनमें राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, डॉक्टर महेश शर्मा, स्मृति ईरानी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को मौका दिया जा सकता है। लखनऊ से शानदार जीत दर्ज करने वाले राजनाथ सिंह का मंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और पिछली कैबिनेट में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा 2005 से लेकर 2009 और 2013 से लेकर 2014 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो वहीं एसपी सिंह बघेल फिर से एक बार आगरा सीट से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 2,71,000 वोटों के अंतर से हराया है। हाल ही में मोदी सरकार में कानून और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, दलित समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर महेश शर्मा को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय मानी जा रही है। डॉक्टर महेश शर्मा ने सपा प्रत्याशी महेंद्र नागर को 5,59,000 वोटों के अंतर से हराया। ये यूपी की सबसे बड़ी जीत है। ऐसे में महेश शर्मा को मोदी कैबिनेट में जगह मिलना तय माना जा रहा है। जबकि अमेठी से इस बार चुनाव हारी स्मृति ईरानी को भी मोदी कैबिनेट में दोबारा जगह मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। वो चुनाव भले ही हार गई हों, लेकिन स्मृति ईरानी बीजेपी का बड़ा चेहरा है। वो मोदी कैबिनेट में महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। उन्हें मोदी कैबिनेट में एक बार फिर मौका मिल सकता है। साल 2014 में भी अमेठी से हारने के बावजूद स्मृति ईरानी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी। उन्हें राज्यसभा के जरिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया था। बात अगर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की करें तो जयंत चौधरी के दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। अब जयंत चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले जयंत एनडीए में शामिल हुए थे। जयंत पश्चिमी यूपी में जाट और किसान बाहुल्य इलाके से आते हैं। इस बार भाजपा के जाट फोकस और कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। जयंत भी जाट हैं। ऐसे में भाजपा इस समुदाय और किसानों को साधने का मौका नहीं गंवाना चाहेगी। यूपी में एनडीए के एक और घटक दल अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट पर जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई है। दोनों बार मोदी सरकार में मंत्री रही हैं। इस बार उनकी पार्टी एक ही सीट जीत सकी। हालांकि भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इनका मंत्री बनना लगभग तय है। बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। मोदी 3.0 में यूपी से किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, ये कुछ ही देर में तय हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह का आधिकारिक समय शाम 7:15 का है। नरेंद्र मोदी के साथ नई कैबिनेट के लिए शपथ लेने वाले मंत्रियों को रविवार सुबह 11:30 प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर बुलाया गया है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।